दोस्तों, बीमारी क्यों होता है मेरे भाई, जल्दी जान लो मेरे दोस्त, नहीं तो आगे चल करके पछताना पड़ेगा। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को हम अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं कि आप लोग जान लें। सवाल नंबर 1, मिर्गी की बीमारी क्यों होता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी हमेशा मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, ज़्यादा नमक खाने से आयोडीन मिर्गी की बीमारी होती है, इसीलिए खराब आयोडीन नमक जो है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और स्वस्थ शरीर रखें। सवाल नंबर 2, गठिया कैसे ठीक होता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी हमेशा मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, गर्म सामान खाने से ठीक होता है गठिया की बीमारी, जैसे अंडा हो गया, मीट हो गया, सरसों का तेल, लहसुन पका करके सुबह शाम लगाने से गठिया की बीमारी जड़ से मिट जाती है दोस्तों। सवाल नंबर 3, जिनको दाहिने अंग में लकवा मार दिया है उनको कौन सा चीज ज्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फिर मार सकता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, नमक और गर्म सामान भूल करके भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो जिनको दाहिने अंग में लकवा मार दिया है उनको फिर मार सकता है, और आयोडीन नमक जो है वो जीवन में कभी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 4, खून में कैंसर क्यों होता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी हमेशा मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, कच्चा केला का सब्जी नहीं खाने से खून में कैंसर जो है वो पकड़ लेता है और बहुत सभी पैसा जो है वो लग जाता है बदलवाने में खून, इसीलिए दोस्तों कच्चा केला का सब्जी जरूर खाएं आप लोग। सवाल नंबर 5, पूजा पाठ करने से क्या फायदा मिलता है हम लोगों को। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, घर में दुख बीमार कभी नहीं आती है, इसीलिए पूजा पाठ जो है वो करना सबसे जरूरी होता है। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं वो आदमी जो है वो दुख के घेरे में पड़े रहते हैं हमेशा। सवाल नंबर 6, इतना महंगाई क्यों है आजकल। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी हमेशा मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, पैसा नहीं कमाने से महंगाई, पैसा खूब कमाना चाहिए, इसीलिए महंगाई बढ़ गई है पैसा नहीं कमाने के चलते, इसीलिए दोस्तों पैसा खूब कमाइए और जीवन जो है उस सुखी आनंदी बनाइए। सवाल नंबर 7, लौकी का सब्जी खाने से क्या फायदा मिलती है शरीर में। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, ठंडा जो है वो लौका का सब्जी होता है, शरीर ठंडा रखता है और कोई प्रकार की बीमारी ठंडी के वजह से नहीं उत्पन्न होती है, इसीलिए लौकी का सब्जी जो है खूब खाना चाहिए। सवाल नंबर 8, फेफड़ा में छेद क्यों होता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है, खराब खाना खाने के कारण पेट में जो है वो गैस बनता है, अगर गैस बनने के कारण फेफड़ा में जो है वो छेद हो जाता है, इसीलिए दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ कर कहूंगा कि कभी भी खराब खाना न खाएं। सवाल नंबर 9, रोज नहाने से कौन सा बीमारी नहीं होती है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, रोज नहाने से लकवा की बीमारी और थार्लिस की बीमारी, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा की बीमारी कभी नहीं होती है, इसीलिए दोस्तों रोज नहाना चाहिए और पूजा पाठ रोज करना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर 10, खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, खाना खाने से पहले पानी लेकर के जरूर बैठना चाहिए, नहीं तो कभी कभी गला ऐसा पकड़ लेता है कि आदमी बीमारी से उस समय क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर।